बीते साल 2021 की अंतिम रात मोती झील के अपना मार्केट स्थित भारत लस्सी और भारत बिरयानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीते वर्ष की विदाई और नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। इस मौके पर भारत बिरयानी के डायरेक्टर मोहम्मद इरफान आलम, कांठी से विधायक इसराइल मंसूरी और कुड़नी के विधायक अनिल सहनी ने केक काट कर नए साल का स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भारत लस्सी में कोलकाता के कारीगरों द्वारा बनाए गए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमाधुरी और अन्य मिठाइयों का जमकर आनंद उठाया। इसके बाद भारत बिरयानी में बने व्यंजन चिकन बिरयानी, मटर बिरयानी, वेज बिरयानी, पनीर चिली, चिकन चिली और कबाब भी लोगों को खूब पसंद आए। इस मौके पर भारत बिरयानी के डायरेक्टर मोहम्मद इरफान ने कहा कि नए साल के स्वागत के लिए भारत लस्सी और भारत बिरयानी अपने नए अंदाज में सज धज कर तैयार है। इस मौके पर महानगर राजद के अध्यक्ष इशराई शाहिद इकबाल मुन्ना, वजीउल हक रिजवी, वरीय नेता हक साहिब मोहम्मद पाले खान, मोहम्मद जाहिद हुसैन, मोहम्मद मोतीउर रहमान, किशन चौधरी, हेम नारायण विश्वकर्मा समेत अन्य मौजूद थे। भारत लस्सी और शोरूम खुला है, जिसका लगभग एक साल पहले खुला था। आज शहर में चर्चित भारत लस्सी के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन भी डिलीवरी पहुंचाया जाता है, जो भी ग्राहक अपना ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे उनके घर तक पहुँचेगा। मैं शुभकामना देता हूँ नए साल की और तरक्की करें और आगे बढ़े। नाम परिचय बता दीजिए। डॉक्टर हेम नारायण विश्वकर्मा, प्रदेश कांग्रेस। आने वाले वर्ष के सभी हमारे मुजफ्फरपुर के साथ ही पूरे बिहार के और देश के लोगों को शुभकामना देते हैं। साथ ही भारत बिरयानी जो ऐसे 10-11 साल पहले मेरे ही द्वारा उद्घाटन किया गया था, आज दिन दुगुना चार चौगुना बढ़ते हुए आज दूसरा यूनिट भी मिठाई वगैरह का भी यहां खुल गया है। इसके लिए भी हम भारत बिरयानी के प्रबंधक संचालक सभी लोगों को बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक ऐसा चीज़ है जो घर बैठे लोग जो है सो फोन कर और होम डिलीवरी से भी आज जो है सो इनका जो है सो भारत बिरयानी खाने का जो लोग हैं शौकीन हैं वो लोग मंगा कर खाते हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, हम इसका शुभकामना देते हैं। नाम बता दीजिए सर अपना। डॉक्टर अनिल सनी, विधायक कुरहनी। मुजफ्फरपुर शहर के जाने माने भारत बिरयानी जो आज दशकों पहले मुजफ्फरपुर को बिरयानी के रूप में प्रसिद्ध कराने वाले, शहर को देने वाले स्वादिष्ट बिरयानी भारत बिरयानी का आज 11वां उत्सव दिवस है। शुरुआत किया गया था आज से 11 साल पहले लगभग, और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भारत बिरयानी जो है सो अपना दायरा को बढ़ाने का काम किया है और अपना दही, लस्सी, मिठाई, स्वादिष्ट कई तरह के और जो है सो व्यंजन को भी बनाने का काम किया है। ये शहरवासी के लिए गौरव की बात है और शहर में ये लगातार टोल फ्री के माध्यम से होम डिलीवरी भी कराने का काम कर रहे हैं। बस भारत बिरयानी को आप आवाज़ दीजिए और आधे घंटे के अंदर में बिरयानी गर्मा गर्म आपके घर पहुंच जाए। ये जो बड़े बड़े शहरों में होता है वह सेवा दे रहे हैं, इसलिए हम भारत बिरयानी परिवार को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही आपके माध्यम से भारत बिरयानी के तमाम जो इसमें कार्यरत कर्मी हैं उनसे सहित पूरे देशवासियों को नव वर्ष की मंगल कामना और शुभकामना देते हैं। वो परिचय दे दीजिए सर अपना। मोहम्मद इसराइल मंसूरी, विधायक कांटी, विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल। मुजफ्फरपुर शहर के मोती झील में भारत बिरयानी पिछले 11 सालों से कलकत्ता की स्वादिष्ट बिरयानी का मज़ा इस शहर वासियों को दे रहे हैं और उसी के तहत पिछले 6 महीना पहले इन्होंने भारत लस्सी के भी एक अपने नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया है, जिसमें लस्सी, दही, घी, विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और ठंडक का यहां पर प्रबंध किया गया है। इस आज 11वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से मैं भारत बिरयानी एवं भारत लस्सी के प्रबंधक एवं प्रोपराइटर को नए साल के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। परिचय दे दिया सर। राय शाहिद इकबाल मुन्ना, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।